बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और लेके आई हूँ मैं वुमेन पैंट्स कटिंग, जो सिर्फ आप 5 मिनट में कट कर सकते हो वुमेन्स पैंट। देखिए ये मेजरमेंट है पैंट की, तो इसमें सेंटीमीटर्स में लिखा हुआ है, मैं जिसमें आप लोगों को बता दूंगी। तो ये इस तरीके की होती है पैंट कटिंग। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हमको फर्स्ट फ्रंट पार्ट निकालना होता है, फ्रंट पार्ट की लेंथ देख लेनी होती है। तो इसमें जो मैं काट रही हूँ, इसमें फ्रंट पार्ट की लेंथ है 39 इंचेस। तो उसके बाद हम किस तरह का हिस्सा जो बोलते हैं उसको निकालूंगी मैं 17 इंच तक, क्योंकि इसमें ही नेफा भी है, तो इलास्टिक वाला है ये, इसके अंदर ही नेफा लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ ऐसा वर्टिकल में मैंने इसको ड्रॉ कर लिया है, 17 इंच ऊपर है ना ब्रा कमर के हिस्से में, 15 लिया, 15 में से 2 को माइनस किया, तो 13 इंच जो ऊपर हमारे कमर की चौड़ाई है, तो इसमें इलास्टिक डाला जाता है। नेक्स्ट हिप्स के पास फिर एक लेंथ होती है, वहाँ हिप्स के पास से फिर 2 इंच अंदर से मैं इसका नीचे फैंसा जो बोलते हैं उसको ड्रॉ कर रही हूँ। नीचे बॉटम है 8 इंच। तो ये फ्रंट पार्ट है पैंट का। तो देखिए अब इसको मैंने ड्रॉ कर लिया है, इसको अब ये यहाँ से 2 इंच ऐसे लेके नीचे सीधा चले जाऊंगी। विदाउट स्केल है ये इस कटिंग, विदाउट स्केल कटिंग करना ही बता रही हूँ मैं, तो स्केल के बगैर ही ये कटिंग हो रही है। तो नीचे ना 8 इंच है, बॉटम है ना इसका 8 इंच है, तो ये 8 इंच हो गया। अब इसको कट कर लेंगे हम। तो देखिए ये फ्रंट पार्ट है, फ्रंट पार्ट इसी तरह बैक पार्ट को भी निकालते हैं। और अब इसको हम पूरा मेजर हो गया फ्रंट पार्ट का, अब इसको यहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे। तो ये फ्रंट पार्ट की कटिंग है, तो इसको हम टू टू लेयर्स में रखते हैं, शलवार के कपड़े को, जो शलवार के कपड़े में ही सिलाते हैं ना पैंट, तो इसको हम टू लेयर्स में रखते हैं। हमेशा तो 4 लेयर्स में रखते हैं हम नॉर्मल शलवार की फोल्डिंग को, तो ये पैंट की फोल्डिंग है तो इसको हम 2 लेयर्स में रखते हैं। तो 2 लेयर्स में इसकी फोल्डिंग है, तो फिर फोर लेयर में फ्रंट पार्ट हो, मतलब टोटल शलवार को दो दो पैंचों की लेयर एक साथ ही काटते हैं शलवार में, बट पैंट में है ना फ्रंट पार्ट को अलग निकालते हैं और बैक पार्ट को अलग निकालते हैं। फर्स्ट हम फ्रंट पार्ट को निकालते हैं किसी भी पैंट में काटना हो, जेंट्स या लेडीज में। नेक्स्ट इसी को रख के हम 2 इंचेस और थोड़ा चौड़ा रख के बैक पार्ट निकालते हैं। तो देखिए इसकी कटिंग शुरू किया है मैंने, इसको कट करने के बाद यही पार्ट को उठा के जो और सलवार का कपड़ा जो बचा हुआ रहता है उसमें इसको हम एडजस्ट करेंगे, इस और 2 इंच चौड़ा बैक पार्ट को रखेंगे। तो देखिए अभी फ्रंट कटिंग इस तरह से काटना होता है। तो मैं यहाँ की आ गई थी एज ए गेस्ट, तो यहाँ इनका एक पड़ा हुआ था पैंट, वुमेन्स पैंट कटिंग के लिए बोला था, तो मैंने यहाँ कट कर रही थी, तो ऐसे ही इसको शूट कर लिया है मैंने। व्यूवर्स को बता दूँ क्योंकि थोड़ा बिजी रहती हूँ, टाइम थोड़ा कम मिलता है मुझे, तो जहाँ का भी टाइम मिले उसको इस्तेमाल कर लेती हूँ। तो उसी पार्ट को उठा कर फ्रंट पार्ट को मैंने दूसरे कपड़े जो बचा हुआ कपड़ा है उसमें एडजस्ट कर दिया है। अब बैक पार्ट की कटिंग होती, तो बैक पार्ट को है ना 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखना होता है, तो इसी से हम वो पार्ट के फ्रंट में जो किस तरह का हिस्सा होता है वो सारा 2 इंचेस एक्स्ट्रा रखेंगे हम ऐसे टाइप से। तो ये विदाउट स्केल की कटिंग है, आसानी से हम बिल्कुल आसानी से, इसके लिए कोई ज़्यादा हमें स्केल्स की स्केल ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बस ओनली टेप से ही हम कट कर लेंगे, स्केल की मदद नहीं ले रहे हैं यहाँ, तो टेप से ही सारी मेजरमेंट हो रही है और जो ड्रॉ कर रही हूँ विदाउट स्केल ही, वरना इसके स्केल्स भी मिल जाते हैं,
तो स्केल्स की मदद से हम बहुत आसानी से कट कर सकते हैं। तो सभी घर में तो अवेलेबल नहीं रहते हैं ना, तो मतलब जो भी घर में कपड़े सीना चाहते हैं लोगों को तो अवेलेबल नहीं रहते हैं सारी चीज़। तो जो है टेप तो होता है, तो टेप को रख के ही मेजर कर कट करना सिखा रही हूँ। तो देखिए 2 इंच बस सेम एज इट इज़, बट 2 इंच एक्स्ट्रा लूजिंग में बैक पार्ट होता है। तो इसको कट कर लेने के बाद ऊपर जैसे नॉर्मल सीते हैं साइड में पैंट, साइड में भी सिलाई आती है, जेब लगवाना है तो जेब लगवा ले सकते हैं हम, इलास्टिक डालेंगे तो ये तैयार हो जाएगा हमारा सीने के बाद वुमेन्स पैंट। तो फ्रंट में ही डाला है मैंने इसकी इमेज, तो देख लीजिएगा जो इसकी उस तरह जिस तरह हम सी सकते हैं उसका इमेज फ्रंट में ही है, तो आप लोग उसको देखें तो उस तरह इस पैंट को इस अंदाज में भी हम सी सकते हैं। तो ये कटिंग का वीडियो है इसलिए मैं सारी कटिंग ही बता रही हूँ। तो फ्रंट में जो मैंने लिखा है वो मेंस पैंट, तो उसी तरह का ये सिल जाएगा। साइड में जेब्स आ जाएंगे, जो बचा हुआ कपड़ा है ना उस कपड़े से हम जेब वगैरह और बेल्ट वगैरह अंदर से लेके इलास्टिक लगा देंगे। तो दैट्स ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। और जो भी मेरे चैनल पे न्यू है ना वो सब्सक्राइब ज़रूर कर ले, ताकि मैं जो भी न्यू अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन झट से फ़ौरन से मिल जाए। थैंक यू।